रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। हेलो हेलो सर, ओके okay. साय राम। ये स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स आए, ठीक है। ओके ओंकार करते हैं अपन, रेडी फॉर ओंकार थ्राइस। ओके चलिए तो नाउ एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पर है, फिर वो आगे अपन करते हैं। जरा इसको करिए, लिखिए। ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, मगर व्हाइट बोर्ड अभी मैंने नहीं शेयर किया। एक ओके लिखिए क्वेश्चन। इफ मैट्रिक्स 2 -1 1 0 -3 4 इंटू ए इज इक्वल टू -1 -8 -10, फिर दिस इज 1 -2 एंड -5 एंड थर्ड वन इज 9 22 15, ओके। फाइंड ए कैसे निकालेंगे आप? ए की रिजल्ट निकलेगा कैसे? कोई आइडिया किसी को? हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स ए? हाँ कोई आइडिया ए का? चलिए देखिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ बच्चों। हम क्या करेंगे, हमको ए की जगह एक इमेजिनरी मैट्रिक्स लिखनी होगी, कुछ लिखना होगा। जैसे हम लिख दें एक्स वाई जेड के या कुछ इस तरीके की, मगर वो क्या लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, रिजल्ट कितने क्रॉस कितना आ रहा है? 3 क्रॉस 3 थ्री क्रॉस। अब हमको ए डिसाइड करना है कि ए कितने ऑर्डर की होगी। ये जो मैट्रिक्स ऑलरेडी एक लिखा हुआ है इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो अब आप हमको बताइए ए का ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 क्रॉस 3, तभी जाकर के रिजल्ट हमको कितना मिलेगा? 3 क्रॉस 3। तो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स जो होगा आपके पास में ए, ये होगा आपके कितना ऑर्डर का? 2 क्रॉस 3। ये सबको समझ में आया कि मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्यों लेंगे हम भाई? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ये जो लिखी हुई है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, उसका ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट 3 क्रॉस 3 आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ए कितनी होगी? 2 क्रॉस 3। ये जिसको नहीं समझ में आया वो पूछिए, जल्दी बोलिए।
अगर कोई नहीं बोल रहा तो मैं ये मान के चलूंगा कि सबको समझ में आ गई बात, ठीक है? ओके चलिए, तो अब आप लिख लीजिए मैट्रिक्स यहां पर, ये देखिए 2 -1 1 0 -3 4, ठीक है? और ये है आपके पास में 3 × 2 की, इससे मल्टीप्लाई करिए आप मैट्रिक्स ए को। आप बोल रहे हैं 2 × 3, 2 रो और 3 कॉलम, तो हम यहां पर यदि ABC ले लें, ABC DEF, तो ये देखिए 2 × 3 है ना, तो हमारे को इससे रिजल्ट कितना मिलेगा, ये मिलेगा -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 and 15, इस ऑर्डर का मिल रहा है, 3 × 3 का मिल रहा है, ठीक है? ये रूल बोलता है कि जिस पर ये एंड हो उससे ये शुरू होना चाहिए, और रिजल्ट 3 × 3 आएगा वो दिख भी रहा। अब आपको इजी है, अब मल्टीप्लाई करिए और एबीसी की वैल्यू निकालिए, ABCDEF, और यहां पर रख दीजिए ए की जगह मैट्रिक्स ए में। यस, अब मल्टीप्लाई करना तो बनेगा ना आपसे। स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना क्या कर रहे हैं अपन? +4D और ये होगा -3B + 4E, और ये होगा -3C + 4F। -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, कंपेयर कर देना है आपको। बताइए आप, दिस इज 2A - D = -1। सर हो गया, सर हो गया, आ गए एबीसी की। ओके, ऐसे आ रहा है ना आपका भी? कितना आ रहा मैट्रिक्स बोलो जरा कोई एक। देयरफॉर मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स दे, जिसको नहीं बना मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, बोलिए, शांत मत बैठिए। देखिए क्या यही रिजल्ट आ रहा है आपका, 1 -2 -5 3 4 0। यस सर, यस सर, सेम। यस सर, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी को नहीं समझ में आया क्या? बोलते भी नहीं है भाई। ये आ गया वो लड़की नहीं आई क्या, क्या नाम था वो जो जिसको बाद में ऐड किया था, दिशा, क्या नाम है उसका, सुहानी। सुहानी नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। हाँ सुहानी है, कब ज्वाइन किया सुहानी आपने? हाँ सुहानी, स्टार्टिंग नहीं। हाँ हाँ सुहानी दिख रही है, दिख रही है इसमें। तो कौन नहीं है भाई? 1 2 3 4 5
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन वन इज एबसेंट हु इज एबसेंट सर मैं भी हूँ शिवांग शर्मा शिवांश है अब ये हुए ट्वेल्व शिवांश ओके चलिए हाँ देखते हैं अपन आगे इसमें अब और क्वेश्चंस देख के भाई किस तरीके से आपके बाकी क्वेश्चंस होते हैं देखें आपके पास में फोर्टीन में से इतने कम दिख रहे हैं चलिए क्वेश्चन लिखिए अब इस तरीके का ये एक हो गया एक और आपको बता सकते हैं ये क्वेश्चन करिए लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वन मोर क्वेश्चन आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड लिखिए द क्वेश्चन इज फाइंड एक्स सच दैट वन एक्स वन इंटू टू थ्री वन थ्री टू वन थ्री टू टू फाइव वन 15, 3, 2 and next is 1, 2x is equal to 0. Find x. Find x. बनेगा अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स है वन इंटू थ्री की सेकंड थ्री इंटू थ्री की तो रिजल्ट आएगा वन इंटू थ्री और लास्ट वाली है थ्री इंटू वन वन इंटू वन में रिजल्ट ठीक है किसी को भी करिए जिसको डिफिकल्टी है वो पूछिए सर एक बार एक्सप्लेन कर दो हाँ सर एक बार एक्सप्लेन कर दो क्या 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 चीज बेटा इसमें एक्सप्लेन करें सर किसको किससे मल्टीप्लाई करना है कौन बोल रहा है नाम बताइए सर सोमेंद्र राहुल सोमेंद्र देखो बेटा सोमेंद्र अब यहाँ पर अपन देखें मल्टीप्लिकेशन का रूल को चेक करें यहाँ पर देखिए ये है थ्री इंटू वन की ये कितने ऑर्डर की है थ्री इंटू थ्री और इसका ऑर्डर कितना है थ्री इंटू वन अगर हम ये फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है क्या वन इंटू थ्री सर यस सर तो किसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है पहले फर्स्ट और सेकंड का है क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल देखिए उसमें वन रो और थ्री कॉलम है और इसमें थ्री रो थ्री कॉलम है तो नहीं है तो ये सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करिए पहले राहुल आगे बात समझ में Yes, sir. Sir, first वाले का order one into three होगा ना one row और three column आपने three into one लिखा है very good बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप one into three तो मतलब ये भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वन इंटू थ्री है हाँ तो पहला और दूसरा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा
कोई दिक्कत नहीं है। वन रो सर x इक्वल्स टू माइनस 14 और x इक्वल्स टू माइनस 2 है क्या? x इज इक्वल टू आपका रिजल्ट आ रहा है माइनस 14 और x इक्वल टू माइनस 2 है। एक मिनट, हाँ माइनस 2 एंड माइनस 14। यस सर। और कोई बोलेगा किसका आया? या जिसको प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। नहीं है तो फिर मैं आगे बताऊं आपको। ओके हो गया, सारे लोग बोलिए। शुड बी कंटिन्यू नेक्स्ट, उस पर चलूं क्या? बोल नहीं रहे मतलब सबका नहीं हुआ अभी। बोलो भाई, दिशा दिशा। यस सर। आंसर नहीं आया अभी? आ गया सर। तो बोला क्यों नहीं अभी तक? और किसका नहीं आया? हो गया सर। हो गया सर, आ गया। ओके अरमान आंसर आ गया? यस सर आ गया। ओके कोई को दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, मिसलेनियस का होगा। हाँ चलिए, अब है हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखें ट्रांसपोज से क्या मतलब है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए ट्रांसपोज में इस तरीके से है, आप समझने की कोशिश करें। कहीं पर अगर मैट्रिक्स हमने एक लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपकी कितने ऑर्डर की? 3x2। तो इसका ट्रांसपोज जो होता है वो हम ए टी से या डैश से, ए टी लिख देते हैं और ए डैश भी कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, हम इनको चेंज कर देते हैं रो और कॉलम को, तो ये हो जाएगा। कोई बताएगा कितना होगा इसका? यस बी डी ए सी ई सी ई बी डी एफ बी डी एफ। क्या किया हमने इसमें, कैसे चेंज किया? आपने ये जो फर्स्ट हम इसको कह लें कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? ये देखिए ये कॉलम था तो यहां ये बन जाएगा क्या, पूरा रो, और ये दूसरा कॉलम जो है वो कितना बन जाएगा, दूसरा रो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज, तो इसकी क्या डेफिनेशन है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए।
ये देखिए हमने इंटरचेंज किया है रो और कॉलम को, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो दिस इज न्यू मैट्रिक्स ए टी और ए डैश इज नोन एज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। देखिए ये है 3x2 का, तो ये हो गया आपके पास में कितने का, 2x3 की हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में सबको कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज देखिए अपन लिखिए, प्रॉपर्टीज में क्या होंगी इसकी, देखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बोलता है कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब कहने का है कि हमने ऐसा और भी आपने कहीं पर पढ़ा है इस तरीके की एक जगह सेम चीज एक जगह और कहीं पढ़ा है क्या पढ़ा है सेट्स में सर? डी मॉर्गन्स लॉ का कॉम्प्लीमेंट सर, ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है सर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इट्स द मैट्रिक्स इटसेल्फ। हाँ तो यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए ये जो मैट्रिक्स हमने अभी बनाया था, ये लिखा हुआ ए इज इक्वल टू 3x2 मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज विच वी फॉर्म इज 2x3। अब इसको अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर दें, यहाँ पर देखें अपन करके देखते हैं, इसको फिर से हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आपके पास में ये देखिए ए बी सी डी और ये बन जाएगा ई एफ। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गया। हेंस फर्स्ट रूल इज ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है, ये रूल आपका एप्लीकेबल होता है। तो ये फर्स्ट वाला है। सेकंड रूल बोलता है कि अगर कोई हम स्केलर है इस तरीके से, क्या है सपोज ये है K is any scalar और K into A dash, ठीक है, तो इसमें अब K का कुछ भी नहीं होगा, ये constant है, तो as it is और A का transpose ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। And third rule हो जाएगा इस तरीके से कि ये वाला A plus B dash is equal to A dash plus B dash, सिंपल दोनों पे ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। मगर फोर्थ रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फोर्थ रूल मल्टीप्लिकेशन में, ए बी इंटू टी। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है जब हम ये करेंगे तो कमी मतलब रिवर्स हो जाएगा, पहले बी डैश आएगा फिर कितना आएगा ए डैश। This is equal to B dash A dash. This is known, these are the four properties of transpose of a matrix. ठीक है, अच्छा अब कई बार हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने पे पूछ ले आपसे, अदरवाइज इसकी जो जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में तो पड़ती है, मगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम आगे निकालेंगे जो कि एक क्वेश्चन है कि कंपलसरी है आता आता है, उसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो देखेंगे हम क्या हो पाएगा उसमें, ठीक है। किस तरीके से इस पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, फिर हम आगे इस पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज ओपन करिए 3.3। हाँ इसमें अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ 5 1 बाय 2 एंड माइनस 1। यस बताइए भाई व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो ये
अभी अभी कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है? कॉलम मैट्रिक्स है ये, यस सर, किलो है ना, फिर ये क्या बन जाएगा? रो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 5 1/2 -1, किसी को डाउट है तो वो उस पर अपन बात करें, नहीं है? चलिए आप इसको वेरीफाई करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करिए, सेकंड का सेकंड। पता आपको कई बार ऐसा लगेगा, अरे यार सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काहे के लिए दे रहे हो, हमसे तो बन जाएगा, रहने दो। मगर आपको ये दिमाग में कभी लाना ही नहीं है, ये दिमाग में रख के बोला मतलब आपको करना है बस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीजें रहेंगी, है बेटा? करिए, जल्दी करिए। हमको ये इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। a माइनस b डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो a माइनस b निकाल लेंगे पहले, ठीक है? तो a माइनस b निकालने पे जो आएगा फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स ए इज, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर, आप उसको करिए। तो ए माइनस बी, ये बचेगा माइनस प्लस थ्री वन एट, ये हो जाएगा फोर फाइव नाइन, दिस इज माइनस थ्री माइनस टू एंड जीरो, इसका डैश करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में थ्री फोर माइनस, हो गया, वेरी गुड। देखिए क्या ऐसे ही कुछ आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है मेरा? यस सर, सर ये सर ऐसे ही आ रहा सर, ये है ना। अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड निकाला, सेम आपको राइट हैंड साइड निकालना पड़ेगा। पहले ए का डैश करेंगे और बी का डैश और उनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है? तो आ जाएगा, ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सबका हो गया क्या? यस सर, यस सर। जैसे आप लोग केजी में बोलते थे ना, केजी में बोलते थे, कोई चीज कर लेते थे तो मैडम के पास लेके भागते थे कि नहीं भागते थे, याद है किसी को अपनी केजी के वन क्लास की सब सीधे ट्वेल्थ का ही याद है आपको? सर याद है। क्या होता था उस समय? आपको मैडम ऐसी एक तिरछी लाइन बनाने बोलती थी, ये ऐसी कुछ बनाने बोलती रही होगी, है ना? ऐसा बनाओ, ठीक है, ऐसा बनाओ। आप बना करके पूरी कॉपी में, हाँ मैडम मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, सब भागते थे, है ना? तो अभी भागना तो नहीं है मगर कम से कम आपको बोलना है, हाँ सर हो गया, अपन एक एनर्जी लेवल बना रहे अपनी क्लास में, ठीक है? हमको भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ओके, चलिए अभी भी आप मान के चलिए वो केजी ही है, बस कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मगर जैसे आपने केजी से करते करते इतना एक्युमुलेट किया, अब आपको इतना बनने लगा, ऐसे आप ट्वेल्थ में भी अपन करते करते आप देखेंगे 5-6 महीने में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए अपन देखें इस पर, हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बन जाएगा, थर्ड भी बताने की मुझे ऐसी जरूरत नहीं, सब मतलब आपको करना है, मैं क्लास में डिस्कशन की बात कराऊंगी, आपको होमवर्क में सब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? ये वाला करते हैं अपन, कौन सा?
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में बता चुका हूं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, एवरीबॉडी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ का कौन सा पार्ट करना है? फिफ्थ में पार्ट नहीं है, है क्या पार्ट? अच्छा, फर्स्ट पार्ट कर लो, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। आपको ये वेरीफाई करना है, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, वेयर ए इज इक्वल टू 1-4, 3 एंड बी इज इक्वल टू -1, 2, 1 लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी डैश। आप इनका मल्टीप्लाई करिए, 1-4, 3 -1, 2, 1 हो गया सर। अरे वाह, मैं तो अभी लिख भी नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन। सर हो गया, हो गया सर। गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। देखिए, अगर आपसे ये बन गया है देन डेफिनेटली आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसका सिक्स्थ क्वेश्चन और जरा ट्राई कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिया है, जरा सिक्स्थ का कौन सा कर लो, फर्स्ट वाला चलिए, सिक्स्थ का फर्स्ट, ये वाला जिससे नहीं बना हो प्लीज आस्क मी। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन प्लीज आस्क। बैठना नहीं है, करना है सबको। सर हो गया, सर हो गया। निशांत जी का हो गया, सभी का। ओके ओके ओके, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे देता बेटा, हाँ ठीक है, 1-2 marks में जनरली दे देता है, ठीक है। अब अगर आपने किस, कोई है जिससे नहीं बन रहा है? नहीं, चलिए अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप इसको करिएगा। क्या लिखिए, द क्वेश्चन इज If A is equal to, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, if A is equal to matrix 1-2, 2, 2, 1-2, A2B, okay? And is a matrix
इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग, ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, ए इंटू ए टी इज इक्वल टू 9i3, देन फाइंड, अरे यार क्वेश्चन, चलिए अब इसी को कंटिन्यू करिए, दूसरा देना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए बी, चलिए इसी को करिए, कोई बात नहीं, फाइंड ए बी, वेयर मैट्रिक्स ए इज गिवन, किसी को डिफिकल्टी आएगी क्या? सर वहां पे 9i3 है। क्या बोल रहा बेटा? सर ए ए टी इज इक्वल टू 9i3। 9i3 आइडेंटिटी में टी नहीं है, वो आई है। 9i3 मतलब सीधा है, ट्रांसपोज निकालना है, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ i3 3 क्रॉस 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है और कंपेयर करना होगा। रौनक नहीं है क्या क्लास में? सर आ गया। हाँ सर हूँ ना। अच्छा शुरू से हो सर। ए इज इक्वल टू -2 और बी इज इक्वल टू -1। ए -2 बी -1 सही आंसर है भाई। और किसी का आया? सर दो मिनट लेट हुआ था बस। अच्छा दिशा जी का भी आ गया। अच्छा खुशी नहीं बोली अभी तक। खुशी सर हो गया आ गया। ट्वेल्व भी हो गए आज। दो लोग एब्सेंट हैं कोई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भौमिक के बाद तो कोई दिख नहीं रहा है इसमें। 12 ही हैं। मैं एक बार अटेंडेंस ले रहा हूं, जरा ये बता दें लोग इनमें से कोई। अरमान प्रेजेंट सर। भौमिक यस सर। धनंजय धनंजय दिशा प्रेजेंट सर। हर्षित प्रेजेंट सर। खुशी
प्रेजेंट सर। मोहित ये नहीं है क्या? मोहित भार्गव कुछ बोलता नहीं है क्लास। हाँ ये कुछ बोलता नहीं है क्लास मोहित। हाँ मोनित मोनित साहू ओके। नरेंद्र ओझा हाँ मोनित। ये नरेंद्र का क्या चक्कर है? पिछले क्लास में भी नहीं था सर। पता नहीं सर नहीं था पिछले में। हाँ नहीं था। नहीं उसको फोन करना जरा अभी। हाँ पता करके मुझको बताना। निशान दिखा रहा है मीटिंग में। हाँ प्रेजेंट सर। नरेंद्र दिखा रहा है मीटिंग में है वो मीटिंग में। नहीं मगर यहाँ तो नहीं दिख रहा अटेंडेंस में कहीं नहीं इसका नाम और ना वो बोल रहा है ना बोल रहा है मीटिंग में तो है तो बोल क्यों नहीं रहा है भाई मीटिंग में होता तो अटेंडेंस में नहीं है। निशांत नरेंद्र ओझा नहीं है मीटिंग में मेरे इसमें ठीक है। आई एम प्रेजेंट लिख रहा है। अच्छा ओके ठीक है। फिर नरेंद्र के बाद में निशांत भी है देन रोनित सर देन सोमेंद्र यस एंड ये सुहानी भी है और शिवान शर्मा भी है ओके। तो हु इज 13 एक तब भी एब्सेंट दिखा रहा है। चलिए ओके थैंक यू यू कैन लीव द क्लास। कल अपन आगे करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ